हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज हेमंत तिवारी एंड आई एम अ फिल्म मेकर। और इस 15 सितंबर को फ्राइडे को मेरी फिल्म आ रही है लोमड़। टाइम्स ऑफ इंडिया हैज गिवन अस 3-star रेटिंग। आशुतोष ग्वारीकर सर, ही ट्वीटेड अबाउट दिस फिल्म दैट ही वाज अमेज्ड टू वॉच दिस सिंगल शॉर्ट फिल्म एंड मैक्सिमम अवार्ड विनिंग सिंगल शॉर्ट फिल्म। द ब्यूटी ऑफ द फिल्म इज दैट दिस इज 1 hour एंड 40 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप फिल्म। अदरक वाली चाय, नमकीन बिस्किट केक है, वड़ा पाव है, वड़ा पाव। दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक एंड व्हाइट सिंगल शॉट फिल्म। हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, या माणसाचं नेमकं चाललंय तरी काय, हा काय बोलतोय, काय करतोय, तर थांबा। हे सर्वच जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। एका ॲक्टरची, एका फिल्म मेकरची क्रिएटिव्हिटी, त्याची लाईफ, त्याचे स्ट्रगल, हे सर्वच तुम्ही आम्ही सर्वजण ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत। आणि हो, हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहून झाल्यावर तुम्हाला काय वाटतं हे आम्हाला कमेंट करून सांगायला विसरू नका। चला तर मग थेट आपण आता त्यांनाच भेटूयात। हाय गाइज, माय नेम इज हेमंत तिवारी एंड आई एम अ फिल्म मेकर। आज मैं आप लोगों के सामने हूँ क्योंकि एक ऐसी फिल्म आई है मार्केट में जो कि अपने आप में एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल क्यों है? क्योंकि 1 घंटे 40 मिनट की 1 shot फिल्म है। इस पूरी फिल्म में कट नहीं। कैन यू इमेजिन, आज के टाइम में एक रील बनाने में भी 4-5 cuts लगते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी फिल्म है जो कि 1 घंटे 40 मिनट यानी कि ऑलमोस्ट 60 और 40, 100 मिनट कंटिन्यूस फिल्म है। कोई कट नहीं, कोई एडिट नहीं। आप लोगों ने आई डोंट नो सुना है कि नहीं सुना है, बट ये अपने आप में एक अनोखी है, अनोखी चीज़ है। और इस फिल्म का नाम है लोमड़। लोमड़ यानी कि फॉक्स। सो गाइज, एज आई मेंशन, माय नेम इज हेमंत तिवारी और मेरी पैदाइश झारखंड की है। झारखंड में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है राय, वहीं पर मेरी पैदाइश हुई। और क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे, सो वी केप्ट ऑन गेटिंग पोस्टेड। और जब मेरे पापा की पोस्टिंग हुई गुड़गांव में, तो वहाँ पर वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई, वहीं पर मेरी कॉलेज हुआ, मेरा कॉलेज हुआ। और दिल्ली में दी आर्मी पब्लिक स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई और उसके बाद कॉलेज हुआ। कॉलेज के बाद आई स्टार्टेड डूइंग कॉल सेंटर्स और कॉल सेंटर्स में मैंने पैसे जोड़ने चालू किए। और जब मुझे लगा कि ठीक ठाक पैसे हो गए, दैट्स व्हेन आई अराइव्ड इन मुंबई। कॉलेज मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से किया बिकॉज आई न्यू कि मेरे पास टाइम कम है, सो आई वॉज डूइंग कॉल सेंटर्स साइमल्टेनियसली। सो जब मैं मुंबई में आया तो सबसे पहले मेरा जो मकसद था वो था एक्टिंग कोर्स। एंड मैंने बैरी जॉन सर के साथ एक्टिंग कोर्स किया। जैसे ही मैंने एक्टिंग कोर्स किया, मेरे को एक फिल्म मिली जिसका नाम है दिल्ली 6। राकेश ओम प्रकाश मेहरा सर के साथ मैंने वो फिल्म की जिसमें मैंने भगवान राम का रोल किया, जो कि अब आप लोग चेक करेंगे तो शायद आप लोग पहचान पाएंगे। लेकिन इन छोटे छोटे कामों से एक चीज़ अच्छी हुई कि मुझे बूस्ट मिलता रहा और मैं मुंबई में टिका रहा। शॉर्ट फिल्म, थिएटर्स, एड्स, काफ़ी कुछ करने के बाद एक मेरी शॉर्ट फिल्म लाइफ इज़ ब्यूटीफुल बनी, जो कि कांस में ऑफिशियल सिलेक्शन हुआ जिसका, जिसमें कि मैंने एक्ट किया। और उसके बाद एक दो फीचर फिल्म्स की। एक उसके बाद जो मेजर ब्रेक थ्रू था वो था मेरा इंटरनेशनल सीरीज़ जिसका नाम है मेडिना। मेडिना जो कि मैंने शूट किया कतर में, जो कि अभी हाल में रिलीज़ भी हुई। और ये सब करते करते आई रियलाइज्ड, जब मैंने एक्टिंग कोर्स किया था तो वहाँ पर मुझे एक चीज़ बताई गई थी कि फिल्में देखना बहुत ज़रूरी है, और वो मैंने आज तक नहीं छोड़ा है। अगर मैं एक एवरेज लगाऊं तो हर दिन मैंने एक फिल्म तो देखी है। जब मैं ये सारी फिल्में देख रहा था, इसी के दौरान मैंने एक फिल्म देखी जिसका नाम था रोप, जिसका नाम है रोप। रोप जो कि अल्फ्रेड हिचकॉक सर की बनाई हुई एक ऐसी फिल्म है जो कि एडिट हुई है लेकिन लगता है कि 1 shot है। उन दिनों में जबकि कैमरे में रील हुआ करते थे, उस जीनियस आदमी ने उन दिनों में एक ऐसी फिल्म बना दी जो कि 1 shot जैसी दिखती है। 10 मिनट हमारा जो रील था वो चलता था, और जब वो रील ख़त्म होने वाला होता था, सर जो थे वो एक्टर के पीठ के पीछे लेके जाते थे कैमरा और वहाँ पर रील चेंज करके वापस से वो कंटिन्यू करते थे। वो फिल्म जब मैंने देखी तो उसने मेरे को स्ट्राइक किया उस फिल्म ने, और कहीं ना कहीं मेरे अंदर था कि मुझे भी ऐसा कुछ बनाना है कभी, लेकिन तब मुझे ही नहीं पता था कि मैं कभी फिल्म बनाऊँगा। खैर, करते 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 इंटरनेशनल सीरीज़ हुई जिसने मुझे फाइनेंशली स्टेबल किया। और बाय द वे, जब मैं मुंबई आया तो मैं योगा सिखाता था और आज तक ऑन एंड ऑफ सिखाता रहता हूँ। तो जब मेरे पास इंटरनेशनल सीरीज से जब मेरे पास पैसे आए, तो रादर देन इन्वेस्टिंग इन समथिंग एल्स, आई इन्वेस्टेड इन मेकिंग फिल्म्स। और वहाँ से एक शुरुआत हुई इस फिल्म की, लोमड़ की, जिसको मैंने लिखना तभी चालू कर दिया था जब मैं कतर में इस इंटरनेशनल सीरीज का शूट कर रहा था। एंड बाय द टाइम आई लैंडेड इन मुंबई, मुझे पता था कि ये फिल्म मुझे बनानी है। तो मैंने फिल्म लिखी,
बाय द वे एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ, ये जो फिल्म है लोमड़, ये पहले एक शॉर्ट फिल्म थी, 22 पेज की, 22 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म थी, बट देन आई रियलाइज कि शॉर्ट फिल्म बना के कोई फायदा नहीं है, एंड दैट इज वेयर आई कन्वर्टेड दिस टू अ फीचर फिल्म. फीचर फिल्म हो गई और देखते देखते हुआ ऐसा कि उस फिल्म का इतना बड़ा इम्पैक्ट था मेरे ऊपर कि एक वन शॉर्ट फिल्म में तब्दील हो गई. एक्टर्स के पास गया, सबको इंटरेस्टिंग लगा, सब ने हाँ कर दिया. प्रोडक्शन हाउस के पास गया, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनको समझ में नहीं आया कि मैं बोल क्या रहा हूँ, वन शॉट में कैसे चीज़ें पॉसिबल हैं, क्योंकि आज के टाइम में एक रील भी आदमी बनाता है तो उसमें चार चार पाँच पाँच कट्स होते हैं. बाय द वे ये फिल्म अब आ रही है 8 दिसंबर को दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे. इस फिल्म को मैं सिनेमाज में रिलीज़ कर चुका हूँ और अब मैं लेके आ रहा हूँ यूट्यूब पे. जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कैसे 1 घंटे 40 मिनट नॉन स्टॉप एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, नॉन स्टॉप कैमरा चल रहा है और उसी में ही मैंने टाइम को आगे बढ़ाया है. एक चलती फिल्म में मैंने स्लो मोशन इफेक्ट भी डाला है. अगर मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक ट्रिविया दूं, आई थिंक द मैन बिहाइंड द कैमरा रौनक विल अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली कि ये बहुत टेक्निकल चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ. एक फिल्म जो होती है वो 24 FPS पे शूट होती है. FPS इज फ्रेम्स पर सेकेंड. और जब भी हमें किसी भी मोशन को, जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ, जो हाथ हिला रहा हूँ, अगर मेरे को इसको हाई स्पीड में करना है, यानी कि स्लो मोशन में करना है, तो कैमरे को रोकना पड़ेगा और उसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी और उसको 48 FPS पे, 72 FPS पे, 96 FPS पे, एंड सो एन एंड सो फोर्थ. आजकल जब आप लोग फ़ोन भी देखते होंगे तो कैमरे में FPS होता है, जहाँ पर कि 24, 48, 100, 120, जो कि आप लोग देखते होंगे कि वीडियो जो है वो स्लो मोशन में जा रहा है. तो इस फिल्म में मेरे को सर्टन सीन्स थे जो कि मुझे स्लो मोशन में चाहिए थे, लेकिन वो कैमरे को रोके बिना पॉसिबल नहीं है. सो हाउ डिड आई मैनेज टू गेट स्लो मोशन एक वन शॉट फिल्म में, जो कि पहली बार ये टेक्निक वर्ल्ड वाइड इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा 1913 से लेके 110 साल इंडियन इंडस्ट्री को हो चुके हैं, और उसमें 10 साल और ऐड कर दीजिए हॉलीवुड को हो चुके हैं. आज तक के सिनेमा इतिहास में एक ऐसी फिल्म नहीं बनी जहां पर कि एक वन शॉट फिल्म में स्लो मोशन डाला है, क्योंकि उसके लिए आपको कैमरा रोक के वो FPS की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी. आई अचीव दिस विथ माई टीम. I shot the whole film at 48 FPS. Guys, जो टेक्निकल लोग हैं उनको शायद ये चीज समझ में आ रही होगी, मैंने पूरी फिल्म को स्लो मोशन में शूट किया है, और जब मैं पोस्ट प्रोडक्शन में गया तो मैंने पूरी फिल्म को 24 FPS पे शूट लेके आया, और जहां जहां पर मुझे स्लो मोशन चाहिए था वहां पर मैंने 48 FPS पे फिल्म को रख दिया. इस तरीके से ये कुछ नया हुआ है इस फिल्म में. जब आप लोग देखेंगे इस फिल्म में तो देर आर सर्टन शॉट्स इन द फिल्म जो कि स्लो मोशन में है. दिस इज समथिंग अमेजिंग फॉर विच यू हैव टू वॉच. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस फिल्म, द टेक्निकल पीपल टू वॉच दिस फिल्म टू अंडरस्टैंड कि ये हुआ कैसे. एनीवेज, सो जब मैं प्रोडक्शन हाउस के पास गया तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, तो सब ने मुँह पे पॉइंट ब्लैंक मना कर दिया, बट देन आई हैड टू मेक दिस फिल्म कैसे भी. तो वहाँ से जर्नी चालू हुई, एक्टर्स को जोड़े, कैमरामैन को जोड़ा, सबको जोड़ा, एवरीवन वाज एक्साइटेड. एंड तो मैंने चंक्स में इसको शूट किया, एज इन चंक्स में मैंने रिहर्सल्स चालू किए, जैसे कि मेरा चंक मैंने अलग से किया, देन XYZ के साथ मैं अलग से सेट पे गया, वहाँ पर उनके साथ 10 मिनट का शूट हम लोगों ने रेडी किया, देन XYZ के साथ 20 मिनट, फिर सबको जोड़ के मैंने एक पूरी फिल्म हम लोगों ने शूट की. सो इट टुक मी 6 months टू रिहर्स दिस होल फिल्म, एंड इट जस्ट टुक मी 1 hour and 40 minutes टू अचीव दिस फिल्म. सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यूजली लोगों को 90 दिन लगता है एक फीचर फिल्म बनाने में, यहाँ पर हमें 90 दिन और प्लस 6 महीने लगा के हमें एक ही बार में पूरी फिल्म मिल गई, विदाउट एनी कट्स, विदाउट एनी एडिट्स. एनी वेज फिल्म बनी, काफ़ी स्ट्रगल्स हुए, वो सब हुआ, वो सब आई विल टेल यू गाइज सम अदर डे. ये परेशानी हम लोग बाद के लिए रखते हैं. Anyways, फिल्म बनी. फिल्म बनते ही आई वेंट टू द सेम प्रोडक्शन हाउसेज एंड द सेम पीपल. गाइज दे वर रेडी टू बाय द फिल्म इंस्टेंटली बिकॉज नाउ दे न्यू कि जो मैं बोल रहा था वो उनके सामने दिख रहा था. मैं हमेशा ये बोलता हूँ दैट इन द एरा ऑफ रीमेक्स, यहाँ पर हर हफ्ते हर फ्राइडे को एक रीमेक निकल के आती है, क्योंकि उनको सामने फिल्म प्लेटर पर दिखती है, उनको पता रहता है कि स्टोरी ये है, इस टाइम पे बैंग होगा, इस टाइम पे बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़ेगा, इस टाइम पे एक्टर ऐसे परफॉर्म करेगा. एक्टर्स को कम काम करना पड़ता है, उनको पूरी फिल्म उनके सामने दिखती है. प्रोड्यूसर्स को कम, पूरी टीम को एक कम काम करना पड़ता है क्योंकि पूरी फिल्म उनके सामने दिखती है उनको.
जब मैं कुछ नया लेके गया तो उनको समझ में नहीं आया, बट द सेम थिंग जब मैं शूट करके गया उनको एक बार में चीज समझ में आ गई एंड दे वर रेडी टू बाय द फिल्म. एंड मुझे क्लियर ये चीज बोली गई कि हेमवंत ये फिल्म हमें दे दीजिए आप, आपका इस फिल्म पे कोई अधिकार नहीं रहेगा. और उन्होंने मेरे को अच्छा खासा अमाउंट दिया, बट देन दे वॉन्टेड टू चेंज द होल कास्ट द होल क्रू एंड दे वॉन्टेड टू शूट द होल फिल्म विद अ कपल ऑफ नोन स्टार्स बिकॉज. एंड मेरे को मुंह पे ये चीज़ बोली कि यार हेमंत ये तो बहुत आसान हो गया, उन्होंने एक दो बड़े बड़े नाम लिए, उनको बोला कि यार ये फिल्म हम दिखाएंगे, उनका 10 दिन का डेट्स लेंगे एंड विल शूट द फिल्म बिकॉज नाउ इट वॉज अवेलेबल टू देम, उनके सामने दिख रही थी ये चीज़, तो इनके लिए आसान हो गई. बट देन मैं अपनी टीम को धोखा नहीं दे सकता था तो मैंने ये किया नहीं. एंड देन स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स. अच्छा हुआ गाइज कि मैंने ये फिल्म नहीं दी, क्योंकि जब हमने फिल्म फेस्टिवल्स में कदम रखे एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम लोग जीतते गए, काफ़ी सारे ऑफिशियल सिलेक्शंस हुए, बट वी वन 24 इंटरनेशनल ग्लोबली अवार्ड्स. एंड दिस बाय द वे गाइस, दिस फिल्म इज आल्सो वर्ल्ड्स मैक्सिमम अवार्ड विनिंग सिंगल शॉर्ट फिल्म. सिंगल शॉर्ट फिल्म में किसी ने भी इतिहास में 24 अवार्ड्स नहीं लिए. सो एनीवेज, अच्छा हुआ कि मैंने वो फिल्म दी नहीं, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को हमारी कैपेबिलिटी और काबिलियत का पता चला कि हम लोग अपने बल पे भी कुछ कर सकते हैं. बनाने के बाद जब हम वापस आए और प्लेटफॉर्म्स को पिच करने लग गए, उसके बीच में कोविड आ गया, तो इस फिल्म में काफ़ी लंबा एक इस फिल्म की काफ़ी लंबी जर्नी रही है, क्योंकि एक तो ये इंडिपेंडेंट फिल्म थी, एक तो कुछ ये अनोखा था. और बाय द वे गाइस, ये इंडिपेंडेंट फिल्म नहीं है, ये इंडिपेंडेंट के इंडिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट फिल्म है. मतलब एक इंडिपेंडेंट फिल्म में भी बजट्स होते हैं भाई, कि भाई इनको इतना पीआर का, इतना एक्स वाई जी का, इतना. यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ पर सब यारी दोस्ती प्यार मोहब्बत में बनी है ये फिल्म. कमिंग बैक, जब प्लेटफॉर्म्स के पास गए वापस से सेम ऑफर्स कि यू गिव अस द होल फिल्म, वी विल रीशूट द होल फिल्म विद नोन एक्टर्स. सो बट देन आई वॉज नॉट रेडी एज एज यूजल. फिर काफ़ी जगह रेवेन्यू शेयरिंग पे हुआ, बट वहाँ पर भी काफ़ी भीख मांगना पड़ता है यार. मतलब ऐसा हो गया कि हम मेकर ना हो गए, भिखारी हो गए. सो खैर एनीवेज, काफ़ी चला चला चला. मैं आशुतोष ग्वारीकर सर का हाथ जोड़ के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से थैंक यू बोलना चाहूँगा. जब उन्होंने इस फिल्म को देखा, उन्होंने अपने ऑफिस में स्क्रीनिंग रखी एंड द रिस्पॉन्स दैट ही गेव मी गाइज, ये फिल्म मेरे हाथ में 2019 के अप्रैल में फाइनल प्रिंट आ गया था. 2019 के एंड से हम लोगों ने फेस्टिवल्स का सर्किट चालू किया, कोविड हो गया, 2022 के एंड में आशुतोष ग्वारीकर सर ने देखा एंड द काइंड ऑफ मोटिवेशन एंड द काइंड ऑफ एनर्जी दैट ही गेव मी reinstated the energy and the enthusiasm that I had while I was making the film. And that's when I thought that I have to release this film, kuch bhi ho jaye. And that is where I started my yoga classes again. I took a couple of jobs. Jo bhi paise aaye, maine darwaze khatkhataye PVR ke and somehow I released the film. Jab maine darwaze khatkhataye, wahan par ek nayi jo ek naya roda aaya, ek naya jo ek point aaya, wo ye ki पीआर कैसे होगा अब फिल्म का, पब्लिसिटी कैसे होगी. बिकॉज अगर आप कोई फिल्म प्लेटफॉर्म पे भी डालते हैं तो अगर रेवेन्यू शेयर पे है या ऐसे है तो पब्लिसिटी थोड़ी होने वाली है, पब्लिसिटी तो ओरिजिनल स्टफ की होगी ना. नाउ दिस इज वेयर आई हैड टू डू द पब्लिसिटी फॉर द फिल्म एंड आई डिडंट हैव मनी. बट देन गाइज, दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट नथिंग कैन स्टॉप यू इफ यू हैव द विल, नथिंग कैन स्टॉप यू. Now this is where a very simple idea struck me. जब मेरे dad हम लोग summer vacations पे घर जाते थे बिहार झारखंड, तब बिहार था, तो रास्ते पे ना वो बादाम चने वाला ट्रेन में बेचते थे वो लोग. I don't know, somehow वो मेरे अंदर था कहीं, पेन वाले, लाइट वाले, कुछ ना कुछ बस में बेचने, बिकॉज गुड़गांव में भी जब मैं हरियाणा रोडवेज में ट्रैवल करता था उसमें भी कोई बेचने के लिए आ रहा है, बस स्टैंड पर भी चिल्ला चिल्ला के लोग बेच रहे हैं. I think that was somewhere in my head. कुछ नहीं, एक रात को मैं उठा और I don't know what happened. I talked to the universe. अगले दिन मैं गया टेलर के पास, एक मैंने लोमड़ का कॉस्ट्यूम बनाया, लोमड़ी का, उसको पहना, हाथ में एक बोर्ड लिया एंड आई वेंट आउट पब्लिकली. चिल्लाना चालू कर दिया मैंने. पहले तो मैं चिल्लाया भी नहीं, पहले तो मैं जाके बस ऐसे खड़ा हो जाता था. फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ऐसे खड़े होने से कुछ नहीं होने वाला, लोगों को पता कैसे चलेगा. एक दिन आई वॉज सो एजिटेटेड, एक दिन आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड कि मैंने वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्ला दिया, आई एम अ फिल्म मेकर, मेरी फिल्म आ रही है, मैंने ऐसी फिल्म बनाई है. एंड जैसे ही मैं चिल्लाया, चार लोगों ने मुझे देखा
जब देखा तो मुझे समझ में आया कि अब चिल्लाना जरूरी है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, माय नेम इज हेमंत तिवारी एंड आई एम अ फिल्म मेकर। मेरी फिल्म रिलीज हुई है इसी फ्राइडे को 4 अगस्त को, जिसका नाम है लोमड़, जो कि दुनिया की पहली ब्लैक एंड व्हाइट सिंगल शॉट फिल्म है। अब चिल्लाने के लिए चाहिए था क्राउड, क्राउड आपको कहां से मिलेगा? सो आई स्टार्टेड डूइंग माय यू नो चिल्लाने का कार्यक्रम एट मरीन ड्राइव, बसेस, मेट्रोज, लोकल्स, कैफेज, एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स के बस में, स्टैंड्स में, जहां पर भी मुझे क्राउड दिखा, सोसाइटीज, गार्डन्स, मैंने चिल्लाना चालू कर दिया। लोमड़ मींस फॉक्स एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी मी इन दिस ब्यूटीफुल अटायर ऑफ अ लोमड़ी। बस मुझे क्राउड मिलता था और मैं चिल्ला देता था। नाउ गाइस, दिस हेल्प मी अ लॉट, वीडियोस वायरल हो गए, लोगों को पता चला इस फिल्म के बारे में, और एक बार फिर से मैं हाथ जोड़ के पूरे भारतवर्ष की जनता को प्रणाम करना चाहता हूँ कि इसके माध्यम से आप लोगों को फिल्म के बारे में पता चला और आप लोग थिएटर्स में आए, आप लोगों ने प्यार दिया। पहले ये फिल्म मुंबई में रिलीज़ हुई, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, 4 जगह एक साथ रिलीज़ हुई। रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैंने इसको कोलकाता में रिलीज़ किया। कोलकाता के लोगों ने अनदर लेवल का प्यार दिया, वहाँ से मोटिवेशन और मिला तो मैंने बैंगलोर में रिलीज़ किया। बैंगलोर में भी प्यार मिला, बट बाई दैट टाइम आई थॉट कि यार नाउ इट इज़ हाई टाइम, अब ये दौड़ दौड़ के ना हो पाएगा। नाउ दिस इज़ वेयर आई मैंने बोला कि अब मैं दुनिया के सामने ये एक साथ लेके आता हूँ, क्योंकि इस होल जर्नी में एक चीज़ कॉमन थी कि लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सराहा, और लोगों को इस फिल्म को देखने की जो जिज्ञासा थी, जो देखने की जो इतनी इच्छुक उन्होंने इतना इच्छा जताई, हर जगह से मुझे मैसेजेस, मेरे DMs पूरे फुल हो गए कि कानपुर में कब होगा, लखनऊ में कब होगा, केरला, कोचीन, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, UK, US, हर जगह से मैसेजेस आ रहे थे कि यार वी ऑल्सो वुड लाइक टू वॉच दिस फिल्म। नाउ इट वॉज नॉट फाइनेंशियली पॉसिबल फॉर मी, इट वॉज नॉट फिजिकली पॉसिबल फॉर मी कि मैं इतने सारे जगहों पर जा के रिलीज करूँ। नाउ दिस इज़ वेयर आई मेड अप माई माइंड एंड आई एंड दैट इज़ वाई आई एम रिलीजिंग द फिल्म ऑन YouTube, सो दैट बिकॉज YouTube इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म एंड सबसे ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ वाई एम रिलीजिंग द फिल्म ऑन YouTube, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस प्रकार की अनूठी और अनोखी फिल्म लोगों तक पहुँच सके। सो दिस इज़ माई एक मोटा मोटी एक जर्नी है एक ऐसी अनोखी फिल्म की और एक अनोखे PR की, जिस चीज़ ने लोगों को अट्रैक्ट किया और जिस चीज़ ने इस कैमरा टीम और इस प्लेटफॉर्म को भी अट्रैक्ट किया, एंड दैट इज़ वाई दे आर हियर। अगेन आई वुड लाइक टू फोल्ड माई हैंड्स एंड थैंक्स टू मैक्स महाराष्ट्र दैट दे केम हियर। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव एंड सपोर्ट टू लोमड़। डू नॉट फर्गेट टू वॉच दिस फिल्म ऑन YouTube ऑन 8th ऑफ डिसम्बर एंड प्लीज रिव्यू द फिल्म। वंस यू लाइक द फिल्म प्लीज रिव्यू द फिल्म ऑन IMDb। थैंक यू सो मच, और जो भी प्लेटफॉर्म मिले वहाँ पर रिव्यू करिए, फिल्म अच्छी लगे तो लोगों के साथ शेयर करिए। Thank you so much guys. I would love to put your videos of reviews on my social media handles. Thank you guys. Thank you so much.